हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को डीमेलान क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, ये क्रीम कैसे काम करती है और इसको इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ ऊपर आई कार्ड में प्रेस कीजिए। मैं स्किन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डीमेलान क्रीम का रिव्यू। तो ये डीमेलान क्रीम में होता क्या क्या है? तो इसकी इंग्रेडिएंट्स है ग्लाइकोलिक एसिड 10%, आर्ब्यूटिन 5% और कोजिक एसिड 2%। तो अब हम देखते हैं कि ये हर इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है? तो ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जिसको शुगर से निकाला जाता है। ये हमारे स्किन की ऊपर वाले हिस्से को उतारता है, जो डेड स्किन लेयर होता है उसको उतारने में ये मदद करता है। तो जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले क्रीम्स इस्तेमाल करते हो तो हमारे ऊपर वाली जो परख होती है वो निकल जाती है और जो नीचे की फ्रेश स्किन है, जो ज़्यादा मुलायम दिखती है और हल्के रंग की होती है, वो फिर एक्सपोज होता है। इसीलिए याद रखिए कि जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले क्रीम्स इस्तेमाल करो तो आप हमेशा इसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड के बाद जो स्किन उतरती है तब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है धूप की तरफ। तो जब आप ये क्रीम लगाने के बाद धूप में जाते हो तो स्किन काला पड़ने का चांस और टैन होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी रहता है। इस क्रीम का दूसरा तत्व है आर्ब्यूटिन। आर्ब्यूटिन एक हाइड्रोक्विनोन का डेरिवेटिव होता है। इसको एक प्लांट जिसका नाम है बेरबेरी, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आर्ब्यूटिन हमारे स्किन में जो मेलेनिन होता है, जो हमारे स्किन को कलर देता है, वो तत्व को कम मात्रा में बनाता है, क्योंकि आर्ब्यूटिन एक एंजाइम जो मेलेनिन बनाने में मदद करता है वो एंजाइम को ये कम करता है। इसीलिए इसके नियमित इस्तेमाल के बाद स्किन थोड़ी लाइट हो जाती है। और इस क्रीम का तीसरा इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड को एक फंगस से डिराइव किया जाता है। इसमें फोटोप्रोटेक्टिव, मतलब कि धूप से बचने की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं। कोजिक एसिड स्किन को लाइट करने में मदद करता है। ये हमेशा किसी और तत्व के साथ मिश्रण में ही इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ प्लेन कोजिक एसिड इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता। कोजिक एसिड वैसे तो बहुत सेफ तत्व होता है, लेकिन क्योंकि इसको फंगस से निकाला जाता है, इसकी तरफ एलर्जीज डेवलप करने के चांसेस भी थोड़े रहते हैं। तो जब भी आप कोजिक एसिड वाली क्रीम्स इस्तेमाल करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे थोड़ा सा लालपन भी हो सकता है। तो इस डीमेलान क्रीम को आप कब इस्तेमाल कर सकते हो? ये हम उस कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपके चेहरे में थोड़े काले धब्बे हैं, जैसे कि मुहासे के बाद छूटने वाले काले धब्बे या मेलाज्मा में मेंटेनेंस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेकल्स की केसेस में जब आपने कुछ फ्रेकल्स के लिए ट्रीटमेंट कराया उसके बाद मेंटेन करने के लिए, वो रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए भी ये डीमेलान क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि डीमेलान क्रीम आपके नेचुरल स्किन कलर को चेंज नहीं करता। तो अगर आपका रंग सांवला है तो ऐसा नहीं है कि ये क्रीम आप इस्तेमाल करोगे तो आपका स्किन लाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ना कि डीमेलान क्रीम ना कोई भी क्रीम आपके स्किन कलर को हमेशा के लिए चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्रीम सिर्फ अगर आपके स्किन में कुछ काले दाग है, कुछ काले धब्बे हैं, तो उसको वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो इस डीमेलान क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए? ये क्रीम हमेशा आपको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है,
अपने चेहरे को अच्छी तरह से एक फेस वॉश से धो के आप ये डिमेलान क्रीम अपने चेहरे में लगाना, उसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। याद रखिए कि जब भी आप डिमेलान क्रीम यूज़ करो तो पहले ये क्रीम आप अपने स्किन में लगाए, उसके ऊपर ही आप मॉइस्चराइज़र लगाए। इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकती है? ये क्रीम के इस्तेमाल के बाद कभी कभी आपका स्किन ड्राई होना, लाल होना, थोड़ा सा जलन जैसा होना या स्केलिंग मतलब कि हल्की सी परग उतरना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अगर आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ये क्रीम इस्तेमाल करने के बाद, तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो इस क्रीम को कब अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि कैसे सिचुएशन में ये क्रीम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी स्किन रूखी है, सेंसिटिव है और अभी आपने कुछ केमिकल पील्स या ऐसे कुछ हार्श ट्रीटमेंट्स करा हुआ है अपने स्किन में, तो उसके बाद प्लीज़ ये क्रीम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ये इरिटेशन और जलन और ज़्यादा बढ़ सकती है। और क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि हमेशा इसको एक टेस्ट पैच करने के बाद ही पूरे चेहरे में इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा ये क्रीम आप अपने कान के पीछे या गर्दन में लगा सकते हो, फिर आप इसको देखना 24 से 48 घंटे तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, कुछ भी लालपन या खुजली या जलन नहीं होता, तो फिर आप इसको पूरे चेहरे में लगा सकते हो। तो ये क्रीम्स इस्तेमाल करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सावधानी परखनी चाहिए? तो याद रखिए कि ये जब भी आप ये क्रीम इस्तेमाल करो तो आपको धूप से बचना बहुत ज़रूरी रहता है, और सनस्क्रीन का प्रयोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखना कि आप एटलीस्ट SPF 30 वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करो दिन में, और जितना हो सके उतना धूप से ज़्यादा बचोगे तो इस क्रीम का असर बेटर दिखने को मिलेगा। तो ये क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आप क्या आशा रख सकते हो? तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके स्किन में काले दाग है, जो मुहासे के बाद छूट गए या मेलाज्मा है, तो वो काफ़ी हद तक लाइट हो सकता है इस क्रीम की नियमित इस्तेमाल के बाद। तो अगर आप इस क्रीम को 4 से 6 हफ्ते तक नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो तो ये सारे काले धब्बे थोड़े लाइट हो जाएंगे। मेरी इस वीडियो से उद्देश्य क्या थी? मेरी इस वीडियो से ये उद्देश्य है कि आपको अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये क्रीम लिखा है तो आप पता कर सको कि ये कैसे काम करता है और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ इस क्रीम को हमेशा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। ये था छोटा सा वीडियो डिमेलान क्रीम के ऊपर। अगर आपको ऐसे ही किसी क्रीम के ऊपर रिव्यू देखने का मन है तो प्लीज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम में हर रोज़ स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और जो हमें यूट्यूब में सवाल आते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।